Students, open your SST book, Geography section, page number 24, chapter number 6, The Climate of South Asia. As the name shows, that today we study about the climate of the South Asia. South Asia is the area where Pakistan is located. In this chapter, we study about winds and rainfall pattern in South Asia. What are the facts on the climate on the Pakistan and the abnormal weather system, cyclone, thunderstorm, dust devils, dust storms, how they will affect on the Pakistan and the rest of the six countries. As you know, the South Asia included seven countries. Pakistan, Nepal, Bhutan, Bangladesh, India, Sri Lanka and Maldives. First you come to the page number 24. Look at this map. Climate has a direct impact on the environment of a country, the natural products and agriculture. True. Climate jo hota hai us pe jo hai वो आपके एग्रीकल्चर और आपके प्रोडक्ट्स और आपके आप लोग किस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे, आप लोगों का खाना पीना, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट करता है. साउथ एशिया हैज़ थ्री विंड सिस्टम और रेनफॉल पैटर्न्स. द साउथ वेस्ट मूनसून फ्रॉम जून टू सितंबर, द वेस्टर्न डिप्रेशन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च एंड नंबर थ्री नॉर्थ easterly. These are the three main wind system or rainfall patterns in the South Asia. Now come back to the page number 24 and look at this map. Okay. This is the South Asia. यहाँ से पाकिस्तान से start हो रहा है. पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, देन श्रीलंका एंड मालदीव्स. ओके, मैंने इन सेवन कंट्रीज़ को यूँ अंडरलाइन किया है. अच्छा, अब इस तरफ देखिए, यहाँ पे आपने राइट डाउन करना है बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल सी का नेम है. ये बांग्लादेश और इंडिया के साथ कनेक्टेड है और श्रीलंका से भी. ये सब इंडियन, दिस इज़ द इंडियन ओशन, लेकिन बे ऑफ बंगाल सी है. ठीक है, ऑन द अदर साइड अरेबियन सी है जो पाकिस्तान और इंडिया से जो है के साथ कनेक्टेड है, एज ईरान और अफगानिस्तान, ईरान के साथ भी. ठीक है, अब फर्स्ट तो ये आपने दो चीज़ें होगी. अब मैं आपको बताती हूँ द फर्स्ट थिंग, द साउथ वेस्ट मूनसून, द रियल मूनसून फॉर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स या नेपाल और भूटान. द मेन थिंग, ये जुलाई और सितंबर से स्टार्ट होती है, लेकिन इस द साउथ वेस्ट मूनसून का ये है कि ये जब अरेबियन सी से रेन को कलेक्ट करके आती है मूनसून, तो ये पहले इंडिया से होते हुए देन पाकिस्तान जाती है. ये डायरेक्ट पाकिस्तान में एंटर नहीं होती, तो ये अपनी रेन का ज़्यादातर हिस्सा इंडिया पे रेनफॉल होके देन पाकिस्तान पे ये आती है. यानी पाकिस्तान नेवर रिसीव अ डायरेक्ट रेनफॉल फ्रॉम द अरेबियन सी, द रियल मोनसून, साउथ वेस्ट मोनसून. ओके, द साउथ ईस्ट मोनसून, इसका भी टाइम पीरियड जुलाई टू सितंबर ही है, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल की तरफ से आती है और ये इंडिया बांग्लादेश को रिसीव होती है. यानी इंडिया और बांग्लादेश को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा रेनफॉल जो है वो होती है. और आपको ये भी पता है कि इस तरफ असम, बांग्लादेश की तरफ फ्लड्स कितने आते हैं और इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाती है कि वहाँ पे, क्योंकि जब हद से ज़्यादा भी रेनफॉल होगी तो वो आपको फ्लड ही में कन्वर्ट होगी ना, वो उसमें. तो दैट्स वाई ये जो है इस तरह ड्रॉबैक है. लेकिन अरेबियन सी की तरफ से जो रेनफॉल हमें रिसीव होती है वो डायरेक्ट नहीं मिलती, वो मतलब एज़ कम्पेयर जस्ट 25% टू 50% तक हमें रिसीव होती है. लेकिन जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही होती है वो ज़्यादातर इंडिया और बांग्लादेश को रिसीव होती है और बहुत कम
सितंबर तक वो हमें रिसीव होती है। द सेकेंड द वेस्टर्न डिप्रेशन फ्रॉम दिसंबर टू मार्च, जो वेस्टर्न, इसको वेस्टर्न डिप्रेशन बोलते हैं इस मॉनसून को, क्योंकि ये नॉर्मल मॉनसून से ज़रा कम होती है, लेकिन ये फिर भी ये आपका मंथ जो है वो दिसंबर टू मार्च कन्वर्ट हो गया है। ये भी पाकिस्तान में डायरेक्ट नहीं आती, ये अरेबियन सी से पहले ईरान अफगानिस्तान से होके देन ये पाकिस्तान में हमें रिसीव होती है, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक हमें मिल जाती है। यानी इट मीन्स के वन ईयर में हमें टू मॉनसून्स रिसीव होती है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया स्वीप इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, इसमें ये रेनफॉल नहीं है, ये हवा आती है विद लिटिल रेन, और ये आपकी चाइना की तरफ से होते हुए जम्मू कश्मीर के उससे पाकिस्तान और इंडिया को रिसीव होती है। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स ब्रिंग विंड्स, विंटर विंड्स एंड लिटिल रेन। आपको एक सर्दियों में एक टाइम आता है जब पे हवाएं बहुत तेज़ चल रही होती है, एज आई थिंक दिसंबर और जनवरी का वो एरिया टाइम पीरियड होता है, तो उसमें वो थोड़ी सी रेन भी साथ लाती है और हवा ज़रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की तरफ से जो हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उससे पाकिस्तान और इंडिया में एंटर होती हैं। ओके, आई होप यू क्लियर कि दीज आर द थ्री मेन विंड सिस्टम्स एंड रेनफॉल पैटर्न्स इन द साउथ एशिया। यानी साउथ एशिया में हमें टू मॉनसून्स जो हैं वो रिसीव होती हैं। नाउ कम टू द रेनफॉल। ओके, अब पाकिस्तान में वी हैव सीन हाउ द विंड सिस्टम अफेक्ट द रेनफॉल इन पाकिस्तान। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये किस तरह अफेक्ट करती हैं। द मॉनसून रेन्स फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, जो जुलाई टू सेप्टेम्बर की मॉनसून है वो अपर पंजाब और लोअर नॉर्दर्न एरियाज़ में 250 से 500 mm तक जाती है, जबकि जो साउथर्न पंजाब और सिंध के और बलूचिस्तान के में सिर्फ 125 टू 250 mm तक जाती है। ये समर जो है इसके ऊपर ये देखिए मैंने हेडिंग दी हुई है समर रेनफॉल जो है, जो समर मॉनसून है। इन विंटर्स दिसंबर टू मार्च वेस्टर्नली डिप्रेशन, इसको कहते हैं वेस्टर्नली डिप्रेशन। वेस्टर्नली डिप्रेशन में हमें जो है वो हाईएस्ट इन अपर पंजाब है और लोअर नॉर्दर्न एरियाज़ में 250 से 500 mm तक है, जबकि बलूचिस्तान के हाई एरियाज़ और खैबर पख्तूनख्वा में भी हाईएस्ट रेनफॉल 125 टू 250 mm तक है। ठीक है, ये हमारी समर और विंटर्स की रेनफॉल का पैटर्न है। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 26। ओके, ये जो बना हुआ है टेबल, इसको आप इम्पॉर्टेंट इस पर मार्क कर लें। एयर्ड ड्राई क्लाइमेट, सेमी एयर्ड पार्शली ड्राई क्लाइमेट, ह्यूमिड वेट रेनी क्लाइमेट, हाईलैंड्स, रेन इन वैलीज एंड स्नो ऑन द पीक्स। ठीक है, ये वो है साइक्लोन्स। अब हम साइक्लोन्स की बात करते हैं क्योंकि उसमें आपके साउथ एशिया में साइक्लोन्स भी बहुत आते हैं। दीज जनरली बिगेन इन अरेबियन सी एंड स्लोली मूव टूवर्ड्स द लैंड, बट क्वाइट ऑफन दे सबसाइड बिफोर रीचिंग द कोर्स। पाकिस्तान डज नॉट सफ़र फ्रॉम द फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ अरेबियन सी है और अरेबियन सी भी हमें सिर्फ ग्वादर पोर्ट के साथ और कराची के साथ हमारी कोस्ट लाइन बनती है, तो वो वहाँ तक आते आते वो उस तरह पाकिस्तान को अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ इन दो एरियाज़ में आते हैं, लेकिन वो भी बहुत माइनर। बट इंडिया और बांग्लादेश की तरफ बे ऑफ बंगाल है, जैसे मैंने प्रीवियस मैप में आपको दिखाया, बांग्लादेश इज़ सीवियरली अफेक्टेड बाय साइक्लोन दैट राइजेज इन द बे ऑफ बंगाल। द कोस्टल एरियाज ऑफ बांग्लादेश सफर मच डैमेज एज द रिजल्ट। और साइक्लोन बांग्लादेश इंडिया को भी अफेक्ट करते हैं, आसाम के एरियाज़ को, बट बांग्लादेश को इसलिए ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो बांग्लादेश की कोस्टल लाइन है वो डेल्टा वाला एरिया है, यानी वो सी लेवल के इक्वल नहीं बल्कि सी लेवल से एक दो मीटर नीचे ही है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लड्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लाइकली ऑकर इन मई जून बिफोर द मॉनसून एंड आफ्टर देम सेप्टेम्बर टू अक्टूबर। ये इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन मॉनसून जो होती है, जो मेन मॉनसून होती है समर की, उससे पहले या उसके बाद आते हैं।
नाउ कम टू द पेज नंबर 27, थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म आपको वही पता है, ऑब्वियसली जब बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी तो थंडर स्टॉर्म्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। सिंध की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ डस्ट डेवल्स यानी डस्ट स्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, इस टेम्परेचर को आपने इंपॉर्टेंट मार्क कर दें। ये आपको बताया कि हॉट क्या कंसिडर होता है, 32 फॉरनहाइट और मोर सेंटीग्रेड और मोर, वार्म 21 एंड 31 मोर, माइल्ड 10 और 20 के बिटवीन होता है, कूल 0 to 9, कोल्ड बिलो 0 degree to centigrade। और ये आपको वार्म, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज जो हैं वो किस लेवल पे आ रहे हैं, लाइक वार्म समर एंड माइल्ड विंटर्स में जो कोस्टल लाइन है अरेबियन सी के साथ वो आती है, हॉट समर एंड माइल्ड विंटर्स में जैकबाबाद पंजाब और सिंध आता है, फिर वार्म समर एंड कूल विंटर्स में आपका वेस्टर्न हाईलैंड आता है, और आपका वार्म टू कूल समर कोल्ड विंटर्स में आपका नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान आता है। दिस चैप्टर इज जस्ट दैट अबाउट द वेदर कंडीशन ऑफ द साउथ एशिया एंड स्पेशली पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान इज पाकिस्तान फॉर्चुनेट कि पाकिस्तान हैज़ लॉट्स ऑफ डिफरेंट सीजन, 4 season प्लस रेनी सीजन, 2 monsoon इट रिसीव्स एंड ऑल दीज थिंग्स गुड। और इफ कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में होगी, चाहे बारिश एक्सेस में हो, चाहे गर्मी एक्सेस में हो, सर्दी एक्सेस में हो, तो वो ऑब्वियसली डैमेज करती है, अफेक्ट करती है नॉर्मल चीज़ों को। लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ लिमिटेड है, लेकिन जितने ज़्यादा ट्रीज़ को हम ग्रो करेंगे, ट्रीज़ की प्लांटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा वेदर होगा पाकिस्तान का। तो एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वी शुड प्लांटेड अ ट्री फॉर द बेटर वेदर इन फ्यूचर फॉर द पाकिस्तान। ओके, नाउ लेट्स फॉर द कॉपी वर्क।